हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल लॉ लस्ट। दिस इज रितेश त्यागी, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। टुडे वी आर गोइंग टू कवर अलानमा केस फैमिली लॉ 2 एंड द नेम ऑफ द केस इज वैली कानू वर्सेस आर सिंगा पेरुमल। लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। देखिए इस केस के फैक्ट्स क्या है। द अपीलेंट हु इज द वैली कानू एंड द रिस्पोंडेंट हु इज सिंगा पेरुमल, दे बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड देन द रिस्पोंडेंट मर्डर्ड हिज फादर एंड ही वॉज कन्विक्टेड फॉर द सेम। Now, according to Section 25 of Hindu Succession Act 1956, the one who murders will be disqualified from inheriting the property of the person whom he murdered. Thereafter, they divorced and appellant was remarried to other person. जो इनकी wife थी वैली कानू, इन दोनों के बीच में divorce हो गया। उन्होंने बाद में जब इनका conviction हो गया, बाद में इन्होंने किसी और से शादी कर ली। Now, the son of the respondent, जो सिंगा पेरुमल के son थे, was disqualified from inheriting the property according to Section 27. अब ये बात आती है कि इनका सन भी डिस्क्वालीफाइड हो गया और जो ये रिस्पोंडेंट है आर सिंगा पेरुमल भी डिस्क्वालीफाई हो गया प्रॉपर्टी इनहेरिट करने में, तो प्रॉपर्टी जाएगी किसके पास, यही इशू था हमारा। ऑन हुम विल द प्रॉपर्टी बी डिवोल्व नाउ, कैन अ वाइफ सक्सीडेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। जो इस केस में अपीलेंट थी, जो कि वैली कानू वाइफ थी, ये डिमांड कर रही थी प्रॉपर्टी की, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए, तो क्या मुझे ये प्रॉपर्टी मिल सकती है इस केस में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व ये करती है दैट द रेस्पोंडेंट हैज बीन डिस्क्वालीफाइड एज पर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। जो रिस्पोंडेंट है इस केस में वो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इनहेरिट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। एंड दिस सन ऑफ द रिस्पोंडेंट ही इज डिस्क्वालीफाइड एज पर सेक्शन 27 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्योंकि जो मर्डरर होता है उसकी जो जितनी भी डिसेंडेंट है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। एंड फर्दर द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वंस द सन इज टोटली डिसइनहेरिटेड देन हिज होल स्टॉक्स स्टैंड्स डिसइनहेरिटेड दैट इज वाइफ एंड सन। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया जब कोई आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाता है इनहेरिट करने के लिए तो उसका पूरा स्टॉक चाहे डिसेंडेंट्स हो चाहे उससे जितने भी उनके रिलेटिव्स जैसे वाइफ होगी वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। द वाइफ इज क्लेमिंग द एस्टेट बिकॉज ऑफ हर मैरिज विद द रिस्पोंडेंट एंड इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड देन शी इज इक्वली डिस्क्वालीफाइड। जो वाइफ अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी क्लेम कर रही है वो किस वजह से कर पा रही है, क्योंकि उनकी शादी रिस्पोंडेंट से हुई है, क्योंकि वो उनकी वाइफ है। अगर उनका हस्बैंड ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो उन्हें अपने फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है। तो इस केस में यही डिसीजन आया था दैट वेन द सन कैन नॉट सक्सीडेड देन द वाइफ हु सक्सीडेड द प्रॉपर्टी थ्रू द हस्बैंड कैन नॉट ऑल्सो ले अ क्लेम टू द प्रॉपर्टी ऑफ फादर इन लॉ, कि जब सन भी क्लेम नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, सन तो एज पर स्टैट्यूट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ही कैन नॉट क्लेम द प्रॉपर्टी। और इस केस के बाद भी ये डिसाइड हो गया था कि जो वाइफ है वो भी क्लेम नहीं कर सकती प्रॉपर्टी, क्योंकि जो जिसके थ्रू वो क्लेम कर रही है वो हस्बैंड के थ्रू इस फैमिली में प्रॉपर्टी क्लेम कर रही है, जब उनके हस्बैंड ही डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं तो वो किस बिहाफ पे प्रॉपर्टी को क्लेम कर रही है। तो यही था इस केस में गाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इशू और जजमेंट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू लॉ लस्ट। थैंक यू।